हाय, वेलकम बैक टू आलिया किचन। आज आपको मैं अपोलो फिश की फ्राई की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 500 ग्राम मैंने मछली ली है बिना काटे की, ये अपोलो फिश, और एक अंडा, एक कॉर्नफ्लोर, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गरम मसाला, ये है मिर्ची पाउडर, ये जीरा पाउडर, और ये फिश मसाला। अब हम इसमें अंडे को डाल लेते हैं। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, अब जो ये मसाले हैं इन सबको ऐड कर लेते हैं। हल्दी पाउडर, अब हम इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें जो हमने रखे हैं कॉर्नफ्लोर को, इसको भी ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 आवर के लिए इसको अच्छे से रिफ्रिज में रख के छोड़ देते हैं। इसके बाद आगे का रेसिपी, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट को ऐड कर लेते हैं। अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए सॉल्ट डाल के, इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। देखिए, हमने मैरिनेट होने के लिए अच्छे से मिला के फ्रिज में रखे थे ना। अब इसको हम तेल को हीट कर लेके इसमें ऐड कर लेते हैं। मैंने तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं एक एक करके उसमें डाल दूंगा। डीप फ्राई कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और सिम रख के लो फ्लेम में रख के बनाइए इसको। अब हम इसको हल्के से धीरे धीरे ऐसे करके मिक्स करते हैं। स्टोव को लो फ्लेम में रख के ही भूनिए इसको, वरना मसाला जल जाएगा। देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल के रख लेते हैं। करके एक एक करके निकाल लीजिए। देखिए, बिल्कुल भन के रेडी है अपोलो फिश की फ्राई। और आप भी ट्राई करिए, घर में बनाइए कि कैसा बना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।